आप दोनों ने अलग अलग फील्ड्स ज्वाइन करने की मन में सोची, आपने डॉक्टर बनने का और आपने सीएसीएस वगैरह बनने का, आपके मन में क्या आया कि आप मैं सीए बनूं, अपने डॉक्टर बनूं? मैं तो अपने पेरेंट्स को देख के इंस्पायर हुई हूं, दे वो डॉक्टर्स, इट इज अ वेरी कंपैशनेट फील्ड, आई वुड लाइक टू हेल्प पीपल इन द फ्यूचर, तो इसलिए आई चोजन मेडिकल। और आपने मतलब कॉमर्स का फील्ड कैसे चूज किया? कॉमर्स में स्कोप काफी होता है, आफ्टर 12th आप वैरायटी ऑफ फील्ड्स में जा सकते हो, या फिर आप सीए कर सकते हो, सीएस कर सकते हो, या बैंकिंग जॉब्स, या चैट वगैरह, दैट इज इट, स्कोप इज मोर। आपको ये लगता है कि जो हम लोग डॉक्टर्स होते हैं या और कोई भी चीज होती है, जब सीए की बात आ जाती है, कॉमर्स की बात आ जाती है, तो वो सारे माउंट से बन जाते हैं, तो आपको ये लगा कि मतलब वो वाले जो दे आर ऑलवेज प्रेडोमिनेटेड, जब भी हम लोग सीए की बात करें, सीएस की बात करें, तो हर इंसान, क्योंकि हर इंसान को टैक्सेस के जो स्लैब्स हैं और चीजें हैं उनमें से गुजरना पड़ता है, तो इसके लिए आपने ये चूज किया कि हम लोग थोड़ा है ही नहीं। यस, आई थिंक इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स आज बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड में, और ये फील्ड्स में जो जॉब्स हैं दे हैव अ लॉट ऑफ स्कोप और इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मतलब इसको परस्यू करना चाहिए। और जैसे आप नए वर्ल्ड से जुड़ रहे हैं, नेट के ऊपर आप हर नई चीज है जो फाइनेंस के बारे में और है उसको निकाल रहे हैं, उसमें इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्या ये भी कारण है कि थोड़ी थोड़ी मजा आ रहा है और उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ रहा है? इंटरेस्टिंग तो है। और आप डॉक्टरी के बारे में, जैसे आपने मम्मी पापा ने तो देखिए, आप कोई भी डॉक्टर ने पेशेंट कराना होता तो वो देखता है कि डॉक्टर तो मिश्रा है डीएमसी में, तो आप भी वैसे ही डॉक्टर जैसे आपके मम्मा हैं, उन्होंने गैनी में हजारों लोगों को संतान सुख की प्राप्ति करवा दी है, और गैनी के फील्ड में एक ऐसी डॉक्टर जिन्होंने सारी जिंदगी, आप देखते हो जब लेबर करते हैं तो आपके मम्मी पापा दोनों को पता नहीं होता कि कब काल आ जा रही है, क्योंकि आप ऊपर रह रहे हो और नीचे आपका क्लिनिक है, और उसके साथ साथ डॉक्टर साहब डीएमसी में इतना ज्यादा बिजी रहते हैं, तो तेरे को ये डर नहीं लगा कि इतना बिजी रहना पड़ेगा? और आपने जैसे सीए का और सीएस का आपका माइंड है, क्या अपर हाई हाइट्स पर जाना चाहोगे? यस ऑफ कोर्स, हार्ड वर्क करके क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और धीरे-धीरे मतलब जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है धीरे-धीरे, और मम्मी पापा भी आपको पूरी तरह से इसमें पॉजिटिविटी दे रहे हैं, उनको भी खुशी होती है कि दोनों का अलग अलग फील है, वो भी चाहते हैं मैं नई चीज करूँ। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें कीमती समय दिया, और हम चाहेंगे कि यंग ब्लडर्स को, जैसे ये दोनों बच्चे हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करने में इनका माइंड है, एक बेटी डॉक्टर बनना चाहती है और एक सीएसीएस बनना चाहती है और हायर लेवल पे जाना चाहते हैं ये लोग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।